हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जैसे दोस्तों आप सब जानते हैं, ड्रीम इलेवन के विनर्स की लिस्ट को यहाँ पे ड्रीम इलेवन लगातार अनाउंस कर रहा है, जिसमें दोस्तों लगातार करोड़पति विनर्स निकल रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी, उनके टीम बनाने का तरीका और यूनिक वे, उसी यूनिक वे से दोस्तों अगर आप लोग भी टीम बनाए तो क्यों ना दोस्तों आप लोग भी यहाँ पे रैंक 1 से लेकर 10 के बीच में आ जाए और आप भी लखपति करोड़पति बन जाए। तो अगर वाकई में ड्रीम इलेवन से विनिंग करना चाहते हो, कई सालों से खेल रहे हो लेकिन आज तक लॉस के बजाय प्रॉफिट नहीं हुआ, यानी कि 100-200 ही कमा पाए हैं, कभी 10,000, 15,000, 1 लाख के ऊपर अर्निंग नहीं हुई है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको दोस्तों मैं एक ऐसे ड्रीम इलेवन के विनर से रूबरू कराने वाला हूँ जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम बनाई और दोस्तों 1 करोड़ रुपए विन कर लिए। और दोस्तों मल्टीपल टीम क्रिएशन के बारे में मैं जो बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, कहीं ना कहीं उसी का सीधा जीता जागता एग्जाम्पल आज मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेकंड ओडीआई मैच आप लोगों को याद होगा, जो कि दोस्तों 24 सितंबर को यहाँ पे इस मैच का कंडक्शन हुआ था, उसी में दोस्तों इन्होंने टीम बनाई थी और इनकी रैंक वन आ गई है। भाई साहब का नाम है मोहम्मद इस्माइल, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 2023 में ही ड्रीम इलेवन इंस्टॉल किया, यानी बहुत अधिक समय नहीं हो रहा है, सिर्फ 2023 में ही आए थे और दोस्तों इन्होंने ड्रीम इलेवन से 1 करोड़ विन कर लिए। रैंक वन नहीं आई, रैंक टू आई है, सोचिए दोस्तों रैंक टू, दूसरी रैंक आई है और इसी दूसरी रैंक के माध्यम से ड्रीम इलेवन में इन्होंने रैंक टू प्राप्त कर ली और 1 करोड़ जीत लिए। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में 8 टीम बनाई थी भाई, पूरी 8 टीम इन्होंने बनाई थी। अब 8 टीम का क्रिएशन किस लेवल से हुआ था, तो जाहिर सी बात है भाई 8 टीम बनाने के पीछे जो इनकी स्ट्रेटजी रही होगी काफी यूनिक और काफी अच्छी रही होगी, क्योंकि भाई ड्रीम इलेवन जैसे बड़े फैंटसी ऐप में अगर आपको विनिंग करना है तो आपको एक बेटर माइंड सेटअप, एक बेटर माइंड प्लान लेके चलना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप लोग एक धांसू अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए इनके टीम के ऊपर नजर डालते हैं, कौन कौन से प्लेयर को अपनी टीम में रखा था जिसके माध्यम से यहाँ पर इन्होंने इस लेवल के इस स्ट्रेटजी को अपना के सबसे बड़े लेवल का प्राइज अर्न कर लिया है। तो आइए टीम पर नजर डालते हैं। तो भाई आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो इनके टीम ने जो पॉइंट्स बटोरे थे वो थे 1232, ठीक है, 1250 पॉइंट्स इनकी टीम ने बटोरे थे। बात करें विकेट कीपर की, जिन्होंने रखा था विकेट कीपर में केएल राहुल को और ईशान किशन को। बैट्समैन की बात करें तो भाई बैट्समैन में रखा था डेविड वार्नर को, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को। ऑलराउंडर में दोस्तों रविंद्र जडेजा थे, रविचंद्रन अश्विन थे, कैमरन ग्रीन थे और बॉलर में कौन थे दोस्तों, जे हेजलवुड थे और यहाँ पे एस एबॉट इन्होंने लिया हुआ था। लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है कैप्टन, और इस कैप्टन का सिलेक्शन किस वे में, किस सीनेरियो में इन्होंने किया था, तो भाई शुभमन गिल थे उस दिन कैप्टन और रविचंद्रन अश्विन थे उस दिन वाइस कैप्टन, और इन्हीं दोनों की वजह से इन्होंने जो दोस्तों पॉइंट्स बटोरे काफी बेहतरीन और अच्छे पॉइंट्स बटोरे और इनकी रैंक 2 आई है और इन्होंने विन कर लिया है दोस्तों पूरे 1 करोड़ रुपए। तो अगर आप भी विनिंग करना चाहते हो तो आप लोग समझो भाई, यहाँ पे इन्होंने उस दिन बैटिंग पिच थी तो बैट्समैन और ऑलराउंडर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया और कहीं ना कहीं कई सारी टीम्स बनाई जिसमें सूर्य कुमार यादव कैप्टन रखा, एक में श्रेयस अय्यर को कैप्टन रखा, एक में यहाँ पे इन्होंने रविंद्र जडेजा को कैप्टन रखा। तो भाई मल्टीपल टीम बना के एक टीम को दोस्तों विनिंग जोन तक पहुंचा दिया और 1 करोड़ जीत लिए, तो अच्छी बात है भाई। अगर आप 500,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपये जीत रहे हो तो बहुत बड़ी फायदे में हो आप लोग। तो मल्टीपल टीम क्रिएशन आज से शुरू कर दो, मल्टीपल टीम बनाओ, पिच कंडीशन को एनालाइज करो, प्लेयर को एनालाइज करो और अपनी यूनिक टीम बना के आप लोग ड्रीम इलेवन से विनिंग कर सकते हो। तो भाई साहब को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इन्होंने 1 करोड़ विन कर लिया है। नेक्स्ट विनर आप भी हो सकते हैं, आप लोग चैनल जुड़े रहे, मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में।